नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। महाराष्ट्र सियासी संकट पर इस वक्त की बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, विधान परिषद की सदस्यता से भी उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और कहा कि मुझे मुख्यमंत्री का पद छोड़ने का कोई दुख नहीं है, मुझे सीएम पद छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। दरअसल सच्चाई ये भी है कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं है, क्योंकि अगर वो फ्लोर टेस्ट में जाते तो भी मुख्यमंत्री की कुर्सी गवा बैठती। नैतिकता के आधार पर उन्होंने जो फैसला लिया, वो फैसला लेने वाले भी वो पहले नहीं है। यही फैसला कर्नाटक के येदुरप्पा ले चुके हैं, यही फैसला बाकी वो मुख्यमंत्री भी ले चुके हैं जिनके सामने ऐसी स्थिति आई। फिर चाहे बात मध्य प्रदेश में कमलनाथ की हो, जहां जहां सत्तासीन अल्पमत में आई है वहां वहां फ्लो टेस्ट इसकी मांग के साथ ही इस्तीफा हो गया। राजभवन से जैसे ही लिखा जाता है कि फ्लो टेस्ट कराइए, मुख्यमंत्री अल्पमत में होते हैं तो इस्तीफा दे देते हैं। तो उद्धव ठाकरे के पास कोई विकल्प नहीं था, यह अंतिम ऑप्शन था जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया है। हालांकि वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री छोड़ने का उन्हें अफसोस नहीं है। अफसोस तो होगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें नहीं चाहिए होती तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही नहीं होते। फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर शिवसेना से कोई होता तो एकनाथ शिंदे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सवाल इसके बीच में यह भी खड़ा हो रहा है कि उद्धव ठाकरे ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा क्यों दिया। तो इसका जो वर्तमान स्थिति में विश्लेषण किया जा सकता है वो दरअसल ये हो सकता है कि अब वो बाला साहेब ठाकरे की उस दिशा में चलना चाहते हैं जहां सत्ता का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। मुंबई से मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, उद्धव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, राजभवन की तरफ वो चल रहे हैं, विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद छोड़ने का कोई दुख नहीं, अफसोस नहीं। मैं ये कह रहा हूं उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था, यह एकमात्र विकल्प था जिसे उन्होंने चुन लिया। विजेंद्र, इस वक्त जो है मातोश्री से लेकर शिवसेना, शिवसेना से लेकर बीजेपी ऑफिस, बीजेपी ऑफिस से लेकर देवेंद्र फडणवीस का घर जो पावर सेंटर बना रहा, और उस घर से लेकर राजभवन, राजभवन से लेकर एनसीपी का ऑफिस, शरद पवार का घर, कांग्रेस के नाना पटोले से लेकर कांग्रेस के दिग्गजों के घर और उनके ऑफिस, इन सभी जगहों पर अगर एक एक तस्वीर की बात करें, एक एक जगह की बात करें, तो हर तरफ अलग अलग तरीके का माहौल है। लेकिन इन सब माहौल के बीच में उद्धव ठाकरे का जो मैसेज है, इस मैसेज के बाद शिवसैनिक किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कल का दिन देखने के लायक होगा। अब किस्सा खत्म हो चुका है, किससे जो लगातार चला आ रहा था लड़ाई यही थी कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दें, सत्ता जो है दूसरे ग्रुप के हाथ में जाए, दूसरे ग्रुप के हाथ में चली गई, बहुमत है। ये उद्धव ठाकरे जान गए हैं कि बहुमत जो है वो अब किसके साथ होगा, अब फैसला वापस से राजभवन पर टिका रहेगा, फैसला राज्यपाल को करना है। कभी मुख्यमंत्री पद की शपथ किसको लेनी है, किसको इनवाइट किया जाना है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये जो पूरी लड़ाई शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी शिवसेना के, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ा करते थे, उसके बाद धीरे धीरे करके सत्ताओं में किस तरीके से जुगलबंदियां बनती है ये पूरे देश ने देखा, और वो जुगलबंदी कैसे टूट जाती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। जब कॉम्बिनेशन सियासत में नहीं बैठता है तो जुगलबंदियां टूटती है। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिरकार हिंदुत्व का पैरोकार कौन होगा, शिवसेना शिंदे या... मेरा सवाल ये था, क्या विधान परिषद से इस्तीफा देना उद्धव ठाकरे अब बाला साहेब ठाकरे की उस दिशा में चलना चाहते हैं जहां सत्ता उनके हाथ में ना हो बल्कि मुट्ठी में हो, जिसे वो कंट्रोल कर सके, जिसे वो अपने हिसाब से चला सके। उनको शायद ये समझ में आया। देखिए विजेंद्र, सटीक सवाल है कि शायद बाला साहब ठाकरे को अगर फॉलो किए होते तो एनसीपी के कहने पर शरद पवार
के कहने पर, शरद पवार के आग्रह पर इस पद को शायद वो नहीं लेते। यदि थोड़ा सा भी वो चिंतन मनन और मंथन करते, बैठकर सोचते कि बाला साहब ठाकरे की जो विरासत थी उसे संभालने के लिए उसी तरीके से कांटों पर भी चलना पड़ेगा और कांटों का ताज भी पहनना पड़ेगा, शायद जिस दिन ये पूरी कहानी शुरू हुई उसी दिन यदि वो इस्तीफा दे दिए होते, सेम वक्त इस्तीफा दे दिए होते। और ये मेरा मानना नहीं, ये कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि वो उसी दिन कह देते कि मुझे ऐसा ताज नहीं चाहिए जिससे कि मेरे विधायक नाराज हो, मैं पद को छोड़ देता हूँ, आप जो कहेंगे वैसा हो जाएगा, यदि वो नहीं भी आते तो मैसेज जो है वो अलग जाता। लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों मिलकर आखिरकार डिसीजन क्या लेंगे और कब लेंगे, मंत्रिमंडल में आपके पास आऊंगा। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर रेनी अब्राहम जी भी जुड़ गए हैं। रेनी अब्राहम जी, उद्धव ठाकरे के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, उन्होंने इस ऑप्शन को एडॉप्ट कर लिया है। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि वो राजभवन जा रहे हैं, मैं मानकर चल रहा हूं इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, तो क्या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि कल फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर बीजेपी को आमंत्रित किया जाएगा सत्ता गठन करने के लिए, मुख्यमंत्री की शपथ होगी, फिर उनको वक्त दिया जाएगा कि आप 6-7 दिन के अंदर विधानसभा में बहुमत को साबित कीजिए और बहुमत साबित होने के बाद फिर मंत्रिमंडल का गठन होगा। क्या अभी भी कल फ्लोर टेस्ट होगा सर? विजेंद्र जी, ये सच बात है, इनफैक्ट 9:30 बजे के करीब ही उनके एस ट्रबल शूटर माने जाने वाले मंत्री अनिल परब जी राजभवन के तरफ गए थे और यही समझा जा रहा था कि उन्होंने जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी को ये कम्युनिकेट करा होगा, उद्धव जी अपना इस्तीफा देना चाह रहे हैं इस संदर्भ में। उसके बाद उनके लाइव के बाद उन्होंने अभी कह दिया उनको जो कहनी थी ऑन रिकॉर्ड पर आकर, तो ये तो स्पष्ट है कि वो इस्तीफा देंगे। तो हमें जैसे बीजेपी के खेमे से समझ आ रही है कि अब वो कल फ्लोर टेस्ट की शायद ज़रूरत न पड़े और वो कल ही अपना स्पीकर नया वहाँ पर चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दें और स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर जो एक कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे नरहरी जिरवल जी, जिनके खुद के ही अस्तित्व पर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है कि उनके पास अधिकारी नहीं था, वो 16 जो बागी शिवसेना के रिबेल है उन पर डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो अब तो यही समझा जा रहा है। इससे थोड़ा सा हटकर मैं एक छोटी बात कहूंगा कि ये उद्धव जी के भाषण के जस्ट पहले ही, जैसे ही ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था कुछ हद तक, तो हमें सीनियर कांग्रेस के लीडर पृथ्वीराज चौहान जी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप में ये कहा था कि अगर हमारे मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते तो फिर सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अनुसार कल फ्लोर टेस्ट तो होगा लेकिन वो 11 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनल रूलिंग आएगी उस पर वो डिपेंड कंटिंजेंट होगा। तो अब लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे चुके हैं या दे रहे हैं तुरंत ही, तो अब वो बदलता है और कल शायद फ्लोर टेस्ट की गुंजाइश ना हो। एक और सवाल सर, विधान परिषद की सदस्यता से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़ी है, विधान परिषद भी छोड़ दिया है, क्या इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया है शिंदे गुट को कि चलिए वापस आ जाइए, ये मेरी तरफ से है कि मैं अब आजीवन सत्ता का हिस्सा नहीं बनूंगा, बाला साहेब की दिशा पर चलूंगा, बाहर से कंट्रोल करूंगा, सत्ता को हाथ में नहीं अपनी मुट्ठी में रखूंगा? अभी तो परिस्थिति का सीधे तौर पर यह कहना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कल भी उन्होंने आकर एक आखिर की रिक्वेस्ट अपने बागी एमएलएस को करी थी, जबकि सभी इस बात से हैरान थे कि उन्होंने आके इस तरीके की एक रिक्वेस्ट क्यों करी अभी भी, जबकि बागी दोबारा लौटने की उनके कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। और उसके बाद अभी आप जैसे मुझे बता रहे हो कि उन्होंने अपनी सदस्यता भी छोड़ दी है, तो इससे ये लगता जरूर है कि उनके मन में कोई और विचार है और जैसे आप कह रहे हो उसी तरीके से वो ये सोचते हो कि अभी मैं अपना कदम पीछे ले लूं। तो इसी संदर्भ में ये भी साफ हो रहा था 2 दिन से कि वो आदित्य ठाकरे जी को आगे कर रहे थे,
खुद वो 2 दिन से जी पब्लिक लाइमलाइट में नहीं आ रहे थे और आदित्य जी ने उस जगह को कैप्चर किया था, ये हमें समझ में भी आई थी कि आदित्य जी हमारे फर्स्ट इंडिया अखबार ने भी इस बात को चलाई थी कि एक नई ट्रेंड, सबसे पहले हमने ही चलाई थी कि ये नई ट्रेंड दिखाई दे रही है कि आदित्य ठाकरे उस वैक्यूम को फिल कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री और उनके पिताश्री उद्धव जी नजर नहीं आ रहे थे उस वैक्यूम को। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए, ऐश्वर्य प्रधान भी हमारे साथ हैं। ऐश्वर्य, दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये कि ये तय है कि शिंदे गुट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाला है, तो मेरा सवाल यह है कि क्या उस स्थिति में शिंदे गुट अलग से पार्टी का गठन करेगा, राज ठाकरे के साथ जाएगा, या आपको लग रहा है उद्धव इस बात के लिए मान जाएंगे कि चलिए ठीक है मैं सत्ता से दूर हूं, मेरे विधायक चाहते हैं बीजेपी के साथ जैसे 2014 में हुआ था, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे ये, क्या ये हो सकता है, क्योंकि बाकायदा उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम नई शिवसेना बनाएंगे। अच्छा, उन्होंने तुरंत अपने आप को सही किया, उन्होंने कहा कि नई शिवसेना का मतलब यह है कि हम पुरानी शिवसेना को नए लोगों के साथ मिलाएंगे, तो यहां से अंदेशा यह लगता है कि वो अब शिंदे गुट से कोई समझौता नहीं चाहते, उनको शिवसेना में चाहते नहीं, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है। आपको समझ आया कि क्या होने वाला है? देखिए, ये फैसला तो चुनाव आयोग करेगा, लेकिन लिहाज से अगर विश्लेषकों के लिहाज से देखते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है उस कैंप की जीत होगी, लेकिन चुनाव आयोग को यह फैसला करना है, यह आगे का विषय है, लेकिन इससे पूर्व का विषय, उससे भी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि यदि शिवसेना को लेकर वो नई नई शिवसेना की बात की है उन्होंने, उसको भूल सुधार भी उन्होंने कर दिया था, तुरंत प्रभाव से वो बोल भी गए थे कि नई शिवसेना का मतलब उसे नई शिवसेना बनाने से मत जोड़िए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ 2.5 साल बाद किस तरीके से रहेंगे। बीजेपी से जो विधायक का चुनाव वहां से हारे होंगे, क्या उन्हें टिकट मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को उन्हें भी सेट करना पड़ेगा, सभी के टिकट की गारंटी भी नहीं ली होगी, तो शिवसेना जो है यहां पर मैं आपको थोड़ा सा ऐश्वर्य है, क्योंकि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा गया था, तो मैं मानकर चल रहा हूं शिंदे गुट के जो विधायक वहां से जीते होंगे, वहां बीजेपी ने अपने विधायकों को, प्रत्याशियों को नहीं उतारा होगा, क्योंकि वो चुनाव अलायंस के साथ था, उसमें शिवसेना और बीजेपी अलायंस में थी बीते चुनाव के अंदर। वो चुनाव अलायंस बिल्कुल वो चुनाव अलायंस के साथ था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात विजेंद्र यहां पर यही है कि जो वेटिंग है उनका क्या होगा। यहां पर बहुत कुछ है, यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो आज के इस समय में, इस वक्त के समय में यही है कि एकनाथ शिंदे है वो हैप्पी है, वो इस बात को लेकर हैप्पी है कि शिवसेना अब उनके साथ है। मैं जिक्र करूंगा तमिलनाडु का, तमिलनाडु राज्य की भी शायद उन्होंने पढ़ाई की होगी, पढ़े होंगे, लोगों से सुना होगा कि एमजी रामचंद्रन जो थे उनकी धर्म पत्नी थी जानकी रामचंद्रन जब उस विरासत को संभालने वाली थी तो उस वक्त जयललिता की एंट्री होती है और किस तरीके से जयललिता ने पार्टी को कैप्चर किया और बाद में पार्वती कहाँ गई सब जानते हैं। फिर उसके बाद आप आइए आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव बहुत बड़े लीडर थे, एनटी रामाराव की उस पार्टी की विरासत को पार्वती लेना चाहती थी, लेकिन पार्वती जो है वो विरासत को नहीं ले पाई क्योंकि उस विरासत को संभालने के लिए तेलुगु देशम के चंद्रबाबू नायडू जो थे वो खुद को उपयुक्त मानते थे, तो ऐसे में लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार चंद्रबाबू नायडू उसी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने और कमान भी संभाली। अब प्रश्न ये है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत पर चलते हुए उद्धव ठाकरे भविष्य में खुद को स्टैंड करेंगे, क्योंकि ऐसे झटके हैं वो माधव देश पांडे, नारायण राणे, छगन भुजबल इन तमाम के समय में आए हैं, तो इस झटके को झेल जाएंगे या फिर वो झटके जिन्होंने दिए थे वो बाला साहब ठाकरे को दिए थे और वो झेल गए थे। ये उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब कभी सत्ता का हिस्सा नहीं बने, वो सत्ता का हिस्सा बन चुके हैं। सवाल तो यही है कि मातोश्री तक क्या उद्धव ठाकरे सिमट जाएंगे, या जो उन्होंने कहा था कि वो जमीन तक जाएंगे, लोगों से फिर मिलेंगे, शिवसेना को फिर मजबूत करेंगे, ये दूर की कड़ी है, लेकिन सच्चाई है कि सरकार गिर चुकी है, नई सरकार का गठन होना है। शुक्रिया ऐश्वर्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, रानी जी आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।